आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े, पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें। इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे उसके जवाब घटनाएं खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है आदरणीय सभापति। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे वो आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है आदरणीय सभापति।